मीता बेटा तू घर लौट आई है, तुझे पता नहीं मैं कितने खुश हूं। मम्मी मैं अपना सामान लेने आई हूं, मैं यहां रहने नहीं आई। प्लीज बेटा ऐसा मत कह। प्लीज मम्मी मैं ये घर छोड़ चुकी हूं। मेरे साथ बैठ मीता। ऋषभ को, मुझको और इस घर को इतनी बड़ी सजा तो ना दे। गुस्सा, नाराजगी, शिकवे, शिकायत हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन आज होते हैं कल भुलाए दिए जाते हैं। मम्मी ऋषभ और करण के बीच जो कड़वाहट है उसकी उम्र क्या हो चुकी होगी? कम से कम 3 साल। और वक्त के साथ उन दोनों की नफरत बढ़ती गई है, कम नहीं हुई। गनीमत है कि उन दोनों को यह रिश्ता निभाने के लिए एक छत के नीचे रहने वाली मजबूरी नहीं है। जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं तब उनकी नफरत जोर मारती है, और ऐसी नफरत ऋषभ मुझसे करने लगा है। तो ऐसी सूरत में पूरे पूरे दिन उसके साथ रहना हश्र बहुत बुरा हो जाएगा। मम्मी आप ही बताइए मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा क्या किया है, मुझसे क्या गलती हुई है, क्या पाप हुआ है? मैं इस परिवार की बहू हूं और इस परिवार के किसी बेगुनाह को सजा होने से बचाया है। कोर्ट ने भी करण को बेगुनाह साबित कर दिया है, लेकिन ऋषभ की जिद अगर ये मानने को तैयार नहीं तो उसका इलाज क्या हो सकता है? एक मां होने के नाते और एक पत्नी होने के नाते क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम कोई इलाज ढूंढें? तो ऋषभ को किसके हवाले छोड़ के जा रही है? मेरे? अरे तू तो उससे प्यार करती है। लेकिन मम्मी हम अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो एक दूसरे का जीना मुश्किल कर देंगे। हमारा अलग हो जाना ही शायद जीना आसान कर देगा। मेधा रिश्ता बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और मिटाने में चंद मिनट। तू कोशिश तो कर मेधा, मैं तेरे हाथ छोड़ती हूँ। प्लीज मम्मी प्लीज। आखिरी कोशिश करूंगी मम्मी, आखिरी। सर ये टोनी ब्रिगेंजा नाम का मुजरिम